हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वीवो एस वन की। आई नो ये वीडियो मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ। मुझे इनवाइट किया था वीवो वालों ने जब एस वन की लॉन्च चल रही थी, तो मैं उस वक्त तो वीडियो नहीं अपलोड कर सका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलें सबसे पहले फ़ोन की बात कर लेते हैं। फ़ोन की बात करें तो सबसे पहले तो इसकी डिस्प्ले की बात आती है। डिस्प्ले जो है इन्होंने वाटर ड्रॉप डिस्प्ले दिया, जो कि बहुत जो कि इन्फिनिटी डिस्प्ले में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग डिस्प्ले है वो यही है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा वाइड मार्जिन मिल जाता है एज टू एज स्क्रीन का। और इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ जो इसके फ्रंट पे इन्होंने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, 0.45 सेकंड में इसको अनलॉक कर देता है। और जो कि बात कर लीजिए फ्रंट कैमरा की, तो 32 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है जी गेमिंग में कि क्या जी पबजी इस पर चलेगी। जी हाँ, इस पर पबजी बहुत अच्छा रन करती है। और उसके बाद अगर इसकी बात कर लीजिए बैटरी टाइमिंग की, तो बैटरी जो है इसकी 4500 मिली एम्पेयर की बैटरी है, जो कि बहुत अच्छी बैटरी है और ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये USB टाइप सी के साथ आ रहा है। तो चलिए ज़रा बात कर लेते हैं टेक्निकल स्पेक्स के बारे में। तो इसमें जो प्रोसेसर है वो आ रहे हैं हमारे पास Snapdragon 665, जो कि 11 नैनोमीटर की चिप लगी हुई है। इसके बाद इसमें GPU जो है वो Adreno है 610 का, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है गेमिंग में। और इसमें अगर बात कर लीजिए डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले जो है इसमें सुपर एमोलेड दिया गया है, जिसमें पिक्सल रेशो जो है वो 404 है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, पसंद आई। क्योंकि जितने आपकी स्क्रीन में पिक्सल्स होते हैं उतना ज़्यादा डिस्प्ले आपका शार्प होता है, उसमें उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होती है। तो इसके जो स्क्रीन का साइज़ है वो 1080x2340 है। और अब इसमें अगर मेमोरी की बात कर लीजिए, तो इसमें एक वेरिएंट इसका आ रहा है 8GB 128GB, जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। एक और वर्जन भी है इसके 6GB के साथ भी। और कैमराज की बात कर लीजिए, तो कैमराज में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, प्राइमरी सेंसर जो है उसका। उसके बाद इसमें सबसे अच्छी चीज़ यह है जो ये अल्ट्रा वाइड मोड जो इसका है। और इसके कैमराज में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स उन्होंने दिए हैं वाइड एंगल का, जो भी आप यूज़ करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और मैंने ऑलरेडी मैंशन भी कर दिया अपने काफ़ी सारे आपके डिस्प्ले पर, आप देख सकते हैं। फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल का सेंसर है, जो कि बहुत अच्छा, और ये वीडियो देता है 1080p की 30 फ्रेम्स पर सेकेंड पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसमें जो OS है वो एंड्रॉयड 9.0 है, और इसमें अपना इनका फ्रंट टच OS होता है, जो कि 9.0 कंपेटेबल विद एंड्रॉयड पाई है। तो दैट्स ऑल, ये इसकी मेजर स्पेक्स थे जो कि नॉर्मली सबको चाहिए होते हैं। ये ओवरऑल इसके स्पेक्स थे, ये इसके थी एवरीथिंग अबाउट दिस फोन। खैर, अगली वीडियो में मिलती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।